भारत में स्ट्रे डॉग्स मुसीबत बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर शहर में स्ट्रे डॉग्स ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में फिलहाल 6 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, वहीं 3 करोड़ से ज़्यादा पालतू कुत्ते मौजूद हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस वक्त वहाँ भी डॉग्स को लेकर ज़रूर बहस हो रही होगी। डॉग्स को लेकर जारी इस बहस ने लोगों को 2 टीम्स में बांट दिया है। एक ग्रुप पेट लवर्स का है और दूसरा उनका जो कुत्तों को सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहते हैं। एक तबका ऐसा भी है जो हार्डकोर पेट लवर्स तो नहीं है लेकिन डॉग से नफरत भी नहीं करते, हालांकि वो ये मानते हैं कि आवारा कुत्ते मुसीबत बन रहे हैं और इसका कुछ इलाज होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप और मैं इसी तबके का हिस्सा हैं। पेट लवर्स का कहना होता है कि हर डॉग एक जैसा नहीं होता, हर डॉग आक्रामक अग्रेसिव नहीं होता और बस कुछ डॉग्स की वजह से सबको लपेटे में लिया जा रहा है। ये बात सही भी है, हर डॉग एक जैसा नहीं होता, लेकिन अब ये बात उस माता पिता को समझाइए जिनके बच्चे गली मोहल्ले या फिर सोसाइटी में खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। उस बच्चे का पाला अगर ऐसे एक आक्रामक अग्रेसिव डॉग से पड़ गया और बच्चे पर इस डॉग ने हमला कर दिया तो उसका क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में माँ बाप की चिंता भी वाजिब है। कुत्ते काटने की वजह से रेबीज हो सकता है। रेबीज का अगर तुरंत इलाज ना हो तो ये 100% जानलेवा बीमारी है। भारत में हर साल डॉग बाइट और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण 18 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों के लिए भी स्ट्रीट डॉग्स मुसीबत बने हुए हैं। चाय कंपनी वाघ बकरी के मालिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई के निधन की खबर शायद आपने सुनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पराग देसाई 15 अक्टूबर को इवनिंग वॉक पर निकले थे, तभी कुत्तों ने उन पर अटैक कर दिया। बीच बचाव के दौरान वो नीचे गिर गए जिसके कारण उनके सिर पर चोट आई, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और महज 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद एक आग सी लग गई है। कुत्ते काटने ही नहीं उसके डर से भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। हर कोई अब एक फैसला चाहता है लेकिन जब भी इस मामले पर बात होती है तो जानवरों के हक का मुद्दा उठ जाता है। बस जानवरों के हक और इंसानों के हक की लड़ाई के लेकर यह मामला फंसा हुआ है। आवारा कुत्तों का मसला हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी है, लेकिन अमेरिका और न्यूजीलैंड ये 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ हद तक एक सोल्यूशन निकाल लिया है। बात अगर अमेरिका की करें तो यहाँ एनिमल शेल्टर्स का कल्चर तैयार किया गया है। एनिमल शेल्टर में डॉग समेत बाकी जानवरों का अच्छा ख्याल रखा जाता है। अमेरिका में बाढ़, बारिश और तूफान के दौरान कई डॉग जगह जगह फंस जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू कर एनिमल शेल्टर्स लाया जाता है। वहीं अगर कोई पेट ओनर अपने पालतू जानवर का ख्याल नहीं रख पाता तो उसे एनिमल शेल्टर को सौंप सकता है वो। ऐसा ही नहीं, अगर कोई डॉग ऐसा शख्स है जो डॉग अडॉप्ट करना चाहता है, डॉग को गोद लेना चाहता है, तो वह एनिमल शेल्टर आ सकता है, वहाँ से जानवर को गोद ले सकता है। एनिमल शेल्टर से प्रमुख 2 मुसीबतें हल हो जाती हैं। पहला, डॉग सड़कों पर नहीं घूमते और दूसरा, डॉग के खाने पीने का इंतजाम भी हो जाता है। भारत में भी एनिमल शेल्टर्स की सुविधा है लेकिन जिस लेवल पर इस तरह के शेल्टर होम की ज़रूरत है वो फिलहाल नहीं है। अब बात न्यूजीलैंड की करते हैं। न्यूजीलैंड का दावा है कि वहाँ 0 स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी आपको एक भी स्ट्रे डॉग सड़कों पर घूमता नजर नहीं आएगा। अगर एक कोई डॉग है वहाँ पे तो उसका कोई ना कोई मालिक ज़रूर होगा। ऐसा संभव करने के लिए न्यूजीलैंड में CNVR प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। CNVR का मतलब कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न, पकड़ना, नसबंदी करना, वैक्सीन लगाना और लौटाना। कानून के तहत हर डॉग की नसबंदी होना ज़रूरी है और इस प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। एक कानून ये भी है कि अगर आप डॉग को दुकान से खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। डॉग को अडॉप्ट करने पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा और कम टैक्स देना होगा। अगर बात डॉग्स के हक की करें और सुरक्षा की करें तो न्यूजीलैंड में यहाँ पे भी इंतज़ाम किए गए हैं। न्यूजीलैंड में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है। अगर कुत्ते के साथ बर्बरता की जा रही हो तो स्पेशल फोर्स उस शख्स पर जुर्माना लगा सकती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे उसके मालिक से छीन कर एनिमल शेल्टर भेजा जाता है। अब आपको फिर भारत लाते हैं और यहाँ की स्थिति बताते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में फिलहाल 6 करोड़ से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। भारत में स्ट्रे डॉग्स की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी प्रशासन पर आती है। स्ट्रे डॉग्स के साथ साथ पेट डॉग्स को लेकर भी सोसाइटी में विवाद होता रहता है। पिछले साल यूपी सरकार ने पिटबुल पालने के लिए नए नियम बनाए थे। पिटबुल, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड कुत्ते की कुछ ऐसी नस्लें हैं जिन्हें बेहद खूंखार और अग्रेसिव माना जाता है। लखनऊ नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया था जिसके मुताबिक पिटबुल को पालने पर उसके मालिक को 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। पिटबुल के बाहर घुमाने के लिए मुंह पर नेट मास्क लगाना ज़रूरी होगा। नेट मास्क नहीं लगाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। बार बार गलती होने पर डॉग को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं डॉग क्लिनिक और फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। डॉग ट्रेनर का नगर निगम से ट्रेनिंग का लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा।
अब इन नियमों में से कितने नियमों का पालन हो रहा है ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। भारत में हमारे शहरों के नगर निगम स्ट्रे डॉग्स के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली में MCD, मुंबई में BMC, ऐसे ऐसे बाकी शहरों के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, हर चीज़ की तरह यहाँ भी दिक्कत पैसे की है। अगर एनिमल शेल्टर की बात करें तो उसे खोलने और चलाने में काफ़ी पैसा लगता है। डॉग्स का खाना ही काफ़ी महंगा आता है। एक कंपैरिजन करके आपको बताते हैं, 10 किलो के आटे की बोरी आपको 450 से 500 रुपये की मिल जाएगी। वहीं एक अच्छे ब्रांड का 10 किलो डॉग फूड 2000 से 2500 रुपये का आता है। यानी आटे के मुकाबले डॉग फूड लगभग 4 गुना ज़्यादा महंगा है। डॉग फूड नहीं तो अब रोटी दूध भी देंगे तो अच्छा खासा खर्चा होगा। एक एनिमल शेल्टर में अगर 40 से 50 डॉग्स को रखा जाता है तो क्या खर्चा होगा, आप हिसाब लगा सकते हैं। इसके अलावा बीमारियों से बचने के लिए हर डॉग का वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। डॉग की देखभाल करने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से दूर रखना है तो एनिमल शेल्टर्स एक बढ़िया ऑप्शन समझ में आता है। अब समय की मांग है कि एनिमल शेल्टर्स बनाए जाएँ, अगर कम पड़ रहे हैं तो और बनाए जाएँ। सरकार को भी शेल्टर होम बनाने के लिए पैसे एलोकेट करने चाहिए। अगर ये हो गया तो इंसान और जानवर दोनों की बेहतर रह जाएगी, दोनों के हक बच जाएंगे और दोनों खुश भी रहेंगे। अगर आपके पास कुछ और सोल्यूशन हो, कोई और विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए Zee Switch।